नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वी कुमार एमएसटी से और एक बार फिर से स्वागत मिलते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, बिल नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। दोस्तों जैसा कि आप सामने लेकर समझ गए होंगे, आज हम बात करने वाले हैं क्या मानसिक रोग का संबंध पेट से है, क्योंकि मैंने अपने अभी तक के एक्सपीरियंस में जितना भी पेशेंट मानसिक रोगों को देखा है उसमें एक चीज़ मैंने कॉमन देखा है कि सबको पेट की कोई ना कोई समस्या ज़रूर होती है। और ये बिल्कुल ट्रू है, ये साइंटिफिक प्रूफ भी है कि मानसिक रोग का पेट से जो है ना सीधा संपर्क है, मतलब सीधा कारण है उसका। जैसे कौन कौन से डिजन में आपको मानसिक रोग हो सकता है और क्यों हो सकता है ये समझिएगा। देखिए पहली चीज़, अगर पेट की प्रॉब्लम की हम बात करें तो अगर आपको IBS है, इरिटेबल बॉबल सिंड्रोम, तो आपको मानसिक प्रॉब्लम हो सकता है। पेट में अगर अल्सर वगैरह है तो आपको मानसिक प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो भी आपको मानसिक समस्याएं हो सकती है। नेक्स्ट में बात करते हैं, अगर आपको म्यूकस कोलाइटिस, जिसको पुरानी पेचिस कहते हैं, जो काफ़ी दिन से पुराना हो गया हो, साल डेढ़ साल से हो गया है, तो भी आपको जो है मानसिक रोग इसमें आपको हो सकता है। अब बात करें तो आखिर क्यों होता है मानसिक रोग पेट से क्यों होता है। देखिए पहली चीज़ कि अगर आपका पेट खराब रहेगा तो डाइजेशन सही नहीं होगा, और डाइजेशन नहीं होगा तो आपको मैं बताते चलूं कि इस शरीर को चलाने के लिए सिर्फ जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स की ही ज़रूरत नहीं होती है, विटामिन्स की ही ज़रूरत नहीं होती है। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जिसका नाम होता है हार्मोन। हार्मोन का सिक्रेशन, हार्मोन का डिस्ट्रीब्यूशन और हार्मोन आपका सही तरह से प्रॉपर काम या वर्क करे बॉडीज में। जैसे गाड़ी बिना पेट्रोल के पेट्रोल के चल सकती है लेकिन बिना मोबिल के नहीं चल सकती, तो ठीक इसी तरह का कॉन्सेप्ट जो है बॉडी में होता है कि अगर आप सारे मतलब एनर्जी तो ले रहे हो लेकिन उसको ऑपरेट कराने के लिए छोटी छोटी जो बारीक चीज़ें हैं जो कि हार्मोन्स का काम करते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन हो गया, ठीक है, डिप्रेशन में अलग हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो हर सिचुएशन में ना अलग अलग, जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स, प्लीजर के लिए, तो हर हार्मोन्स के लिए अलग अलग जो है आपके सिम्टम जिम्मेदार होते हैं। तो होता क्या है, इस हार्मोन्स पे मैं बाद में चर्चा करूँगा क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और तो क्या होता है कि डाइजेशन आपका सही नहीं होता है तो हार्मोन का सिक्रेशन, ठीक है, और उसका फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं होता है। जब वो सही तरीके से नहीं होगा तो क्या होगा कि आपके शरीर में जो है केमिकल कह लो या हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाएगा। जब डिसबैलेंस हो जाएगी तब आपका दिमाग जो है बॉडी को ऑपरेट सही से कर ही नहीं पाएगा। जब आपका दिमाग बॉडी को सही से ऑपरेट नहीं कर पाएगा, उसी कंडीशन को मानसिक रोग कहते हैं। मानसिक रोग कुछ अलग से नहीं है, जब आपके हार्मोनल डिसबैलेंस हो गए, ठीक, आपको बॉडी जो है हार्मोन को सही से ऑपरेट ही नहीं कर पा रहा है, आपका दिमाग फोकस नहीं कर पा रहा है, आपका दिमाग किसी चीज़ के फैसले को नहीं ले पा रहा है, ठीक है, आपका दिमाग क्या है कि एक एम नहीं बना पा रहा है अपने बॉडी के लिए कि हमें आप करना क्या है क्या नहीं करना है, आप उलझ चुका है, मतलब आपका बॉडी क्या है ना अपने आप में फंसा हुआ है, उसको निकालने की ज़रूरत होती है, ठीक, क्योंकि आप किसी चीज़ का फैसला लोगे नहीं अपने आप के प्रति, तब आप मानसिक रोग के शिकार हो जाओगे, समझ रहे मेरी बात। तो इसीलिए मैंने हमेशा देखा है कि जितने भी मानसिक रोग मेरे पास आते हैं तो उनका डाइजेशन का इलाज मैं ज़रूर करता हूँ, और हर डॉक्टर को मैं सलाह देता हूँ कि जितने भी पेशेंट आपको मानसिक रोग वाले आते हैं तो उनको एक बार ज़रूर डीपली जो है सिम्टमाइज कर लें कि उनको IBS या फिर पेट की कोई समस्या तो नहीं है उनके पास, अल्सर हो, सूजन हो, गांठ हो, ट्यूमर हो, किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम अगर है, हार्मोनल डिसबैलेंस अगर उनके अंदर हो रहा है तो उनको मानसिक रोग होने की संभावना है और इसका सीधा सीधी संपर्क है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि मानसिक रोगों का पेट से सीधा संपर्क होता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, और अच्छा डाइट प्लान बनाएं, अच्छा डाइजेशन आप ना रखें, आपका दिमाग बिल्कुल फोकस रहेगा और जो है कंसंट्रेशन आपकी बहुत अच्छी रहेगी, तो जीवन में आप आगे जरूर बढ़ोगे।